नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने महसूस किया होगा कई बार रात को देर तक जगने पर या कभी शाम को ऑफिस से आने के बाद में काफ़ी बार लोगों को काफ़ी भूख लगती है। उस टाइम लोग उल्टा सीधा कुछ भी नमकीन, चिप्स, बिस्किट्स खा लेते हैं और कई बार हमारा मीठा खाने का मन करता है तो हम मिठाइयाँ खा लेते हैं। ये सब कुछ जो भी चीज़ें हम खाते हैं ये हमारे वेट लॉस की प्रोसेस में बिल्कुल हेल्प नहीं करती और हमारे वेट को बढ़ाती हैं, हमें नुकसान ही पहुँचाती हैं। इन सबसे बचने के लिए और आपकी जो स्वीट क्रेविंग्स है उसको ख़त्म करने के लिए मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक बहुत ही हेल्दी और आपकी वेट लॉस की प्रोसेस में मदद करने वाली प्रोटीन बार, जो कि आप घर पे बना सकते हैं। जो आप बहुत ज़्यादा पैसे देके मार्केट से प्रोटीन बार्स, योगा बार्स खरीदते हैं उसकी जगह आप उसे घर पर बना सकते हैं, जो उससे कई गुना बेटर होगी और सैटाइजिंग होगी और बहुत सारा फ़ायदा पहुँचाएगी और बहुत सस्ते में बन जाएगी। तो चलिए मैं बताता हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ये हैं हमारे ओट्स, या मार्केट में आप किसी भी ब्रांड के ओट्स ले सकते हैं। ये हैं हमारे सीसमे सीड्स या तिल, ये हैं चिया सीड्स, ये हैं हमारे फ्लैक्स सीड, अखरोट, बादाम, डेट्स, इलायची, ये पिंक सॉल्ट है, ये ऑर्गेनिक हनी है, ये आपका बिल्कुल ऑप्शनल है, ऑर्गेनिक हनी आप डालना चाहें तो डालें। ये हमारे पम्पकिन सीड्स हैं, ये कोकोनट ऑयल है, ये भी ऑप्शनल है लेकिन ये बहुत ही अच्छा सोर्स है फैट का और काफ़ी बेनिफिट पहुँचाता है, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये है कोकोआ पाउडर। तो इसमें से आप देखेंगे कई सारे सीड्स हैं, नट्स हैं, एक हेल्दी फैट है और हनी है और डेट्स है मीठा करने के लिए। इसमें जो भी आप कम ज़्यादा करना चाहें अपनी पसंद से कर सकते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बादाम को थोड़ा सा कूट के और फिर इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। दोस्तों थोड़ा सा इसको अगर हम कूट के डालेंगे तो बड़ी आसानी से पीस जाएंगे बादाम मिक्सी के अंदर। और ये मिक्सी के अंदर ही हम डाल देंगे ये हमारे ओट्स और इनको एक साथ चर्न करके पाउडर फॉर्म में लेंगे। पल्स ग्राइंडिंग कीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए। तो दोस्तों ये काफ़ी पिस गया है, अब मैं इसमें डालूंगा हमारे सारे सीड्स। सबसे पहले अलसी या फ्लैक्स सीड और साथ में डालूंगा ये वॉलनट्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड बहुत हाई होता है इनमें जिंक। और ये सीसमे सीड्स है तिल, इनको भी चर्न कर लेते हैं ऐसे ही पल्स चर्निंग करके। ये इलायची को मैंने कूट लिया है छिलके हटा करके और ये भी मैं इसमें डाल देता हूँ। और इसमें मैं अब डालूँगा एक चुटकी पिंक सॉल्ट, इसको भी चर्न कर लेते हैं। ये डेट्स मैंने बीज निकाल के छोटे काट लिए हैं, ये भी अब मैं इसमें डाल दूँगा। और देखिए अब मेरे को इसमें कई तरह के इंग्रेडिएंट्स जा चुके हैं, उससे हमको मिलेगा जिंक और ओमेगा 3, गुड फैट और हाई प्रोटीन और कई सारे और बेनिफिट्स। मैं ये भी डेट्स इसमें डाल देता हूँ। और इसी स्टेज में मैं डाल लेता हूँ कोकोआ पाउडर, ये भी ऑप्शनल है लेकिन आपके बच्चों भी अगर ये खाना चाहें तो ये बहुत टेस्टी हो जाता है, इसलिए मैं ज़रूर डालूँगा। और नेक्स्ट मैं डालूंगा हमारा MCT ऑयल, कोकोनट ऑयल, जिस जो कि एक बहुत ही हेल्दी फैट है और हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है, ये भी मैं डालूंगा इसमें। और ये भी ऑप्शनल, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप ना डालें, आप इसको एक बार चर्न कर लेते हैं। दोस्तों अब मैं अपना लास्ट इंग्रेडिएंट डालूंगा, ये है ऑर्गेनिक हनी, ये भी ऑप्शनल अगर आप चाहें तो ना डालें लेकिन मैं करीब 1 टीस्पून डाल रहा हूँ। ये बाइंडिंग में भी हेल्प करेगा, थोड़ा मीठा भी करेगा, शुगर क्रेविंग को कम करेगा और शहद अगर ऑर्गेनिक है तो हमारे गट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो ये भी मैं ज़रूर डालूंगा। और अब इसको पल्स करते हुए तब तक हम चयन करेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा एक डो की तरह ना बन जाए, जैसे आटा गूंथता है उस तरह का ना हो जाए। अब मैंने उसमें से मिक्सी में इससे इसको एक बाउल में निकाल लिया है और थोड़ा सा इसको डो की तरह तो आया ही है, एक बार इसको थोड़ा सा हाथ से मैश करके अच्छे से और डो बना लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो देखिए ये एक डो बन गया है एकदम बॉल की जैसा बड़ा। अब मैं क्या करूँगा, इस चकले पे थोड़ा सा
घी लगा देता हूँ, आप जिस भी बर्तन पर चाहे उस पर लगा लें, और आप इसको इस पर फैला लेते हैं। तो आप इसको फैला लीजिए जिस, तो दोस्तों आप इसे जिस भी फॉर्म में चाहें आप काट सकते हैं। आप इसे गोल काट सकते हैं, आप इसे चौकोर काट सकते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में काट सकते हैं, स्क्वायर फॉर्म में काट सकते हैं, और जैसी थिकनेस चाहिए आप इसकी वैसी थिकनेस हो सकते हैं। मैंने अभी इतना थिक रखा है और अब मैं इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में काट लेता हूँ। तो दोस्तों रेडी है हमारी होममेड सुपर हेल्दी वेट लॉस में हेल्पफुल प्रोटीन बार। और मैं ये बताना चाहूँगा, जो आपके पास आइटम्स अवेलेबल हो और जो नहीं हो, जैसे अगर आपके पास में कोई और सीड्स अवेलेबल हैं तो आप कोई और सीड्स यूज़ कर सकते हैं, आप कुनोवा पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें रेजिन्स यूज़ कर सकते हैं, जो और अगर आपके पास में जो चीज़ अवेलेबल नहीं हो आप इसको हटा सकते हैं, जो आपके पास घर में अवेलेबल है उन चीज़ों से आप इसको बना सकते हैं सेम प्रोसेस के साथ में। ये बहुत ही टेस्टी है, मैंने टेस्ट करके देखी है और ये बच्चे भी इसको बहुत लाइक करते हैं, मेरे दोनों बेटों को ये बहुत पसंद है। दोस्तों आप चाहें तो इसको दिवाली पे भी बना सकते हैं, किसी त्यौहार पे बना सकते हैं, अपने जो आने आपके यहाँ पे जो मेहमान आएंगे आप उनको बहुत ही हेल्दी स्नैक्स के रूप में इसे दे सकते हैं। और ये जो मार्केट में योगा बार प्रोटीन बार्स मिलती हैं उसकी 1/10 कॉस्ट में बनी है और बहुत ही सुपर हेल्दी हैं। आप चाहे इसको जरूर अपने घर में ट्राई कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।